साथ ज्योति सांगवान, आप देख रहे हैं बड़ी बात। तीन तलाक पर सड़क से सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ने के बाद लोकसभा में विधेयक पास हो चुका है। साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तमाम राजनीतिक दलों से साथ आने की अपील की थी और लोकसभा के बाद अब बारी है राज्यसभा की। तुम्हें तलाक देता हूं। मसीन। तलाक। नहीं। तलाक। खुदा के लिए नहीं। तो बड़ी बात में तीन तलाक को लेकर हम चर्चा करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, तीन तलाक को लेकर लोकसभा में बिल पास किया जा चुका है। तो बड़ी खबर दिल्ली से हमारे पास आ रही है, जहां बहस के बाद, चर्चा के बाद, बिना किसी संशोधन के इस बिल को पास किया जा चुका है। राज्यसभा की बारी है, राज्यसभा में बिल को पेश किया जाना है। आपको बता दें कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ये अपील की थी कि तमाम राजनीतिक दल साथ आए और इस बिल को पास किया जाए, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा ये मसला है, महिलाओं के सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनके हितों की रक्षा से जुड़ा ये बिल है। तो सभी संशोधन खारिज किए जा चुके हैं, उनको खारिज किए जाने के बाद बिना किसी संशोधन के ये बिल हूबहू पास हो चुका है लोकसभा से। तो इस दिशा में पहली जीत ये मानी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर इस पर कानून बनाने की बात कही थी। ऐतिहासिक कदम है। क्या आपको लगता है राज्यसभा में भी ये क्लियर हो पाएगा? होना चाहिए, मैं सोनिया जी से अपील करूंगी। राजा जी, सर आप इंस्ट्रूमेंटल थे इस बिल को ड्राफ्ट करने में, आज कितनी खुशी है आपकी ये बिल लोकसभा से पास हो गया। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बिल हिस्टोरिकल बिल था। विश्वास तो यही है कि हो जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि आज ये ऐतिहासिक बिल पास हुआ है लोकसभा से, और सबसे खुशी की बात है कि एक प्रकार से पूरा हाउस एक रहा। कुछ लोगों ने विरोध किया, और जो हमने पहले कहा था कि ये मामला न धर्म का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है, न इबादत का है, ये मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता का। और आज संसद उसके कारण सामने आई है, बहुत खुशी की बात है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी मजबूती से तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। मोदी जी की सरकार झुकती नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा सपोर्ट किया, और आज जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस कानून का दुरुपयोग करके तीन तलाक लोग दे रहे थे, आज भी सुबह एक रामपुर में तीन तलाक दिया है जो मैंने हाउस में बताया, तो हमने कहा कि नहीं, इस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और ये हिंदुस्तान की महिलाओं की विजय है, हमारे बेटियों की विजय है, और भारत जेंडर जस्टिस की ओर आगे बढ़ रहा है। सर थोड़ी बहुत, थैंक यू, थोड़ी बहुत राज्यसभा। सर हम उम्मीद करते हैं कि बदलाव की इस मुहिम में राज्यसभा में भी सब लोग समर्थन करेंगे। धन्यवाद। सर जो है वो पारित हो गया है लोकसभा ने, जिस तरह से पारित किया, क्या कहेंगे सर? ये पूरा देश के लिए और भारतीय समाज के लिए, खासकर मुस्लिम समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मुस्लिम महिलाओं के लिए जो वो न्याय दिलवाना था, उनको उनका जो एम्पावरमेंट करना चाहिए था, वो एम्पावरमेंट आज लोकसभा के इस ऐतिहासिक निर्णय से हो गया है। तो मैं मानता हूँ इससे एक नया पहल शुरू हो गया नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत साल से, यानी पिछले 60-70 साल से ऐसे एक न्याय मिलेगा, ऐसे एक सशक्तिकरण होगा, इसका उम्मीद थी, ये हो गया। सर राज्यसभा में इस बिल को पारित करना एक चुनौती है, क्योंकि वहाँ पे सरकार के पास बहुमत नहीं है, उससे कैसे निपटेगा? देखिए, यहाँ भी जो विरोध कर रहे थे अमेंडमेंट्स के ऊपर, वो एक दो के तादाद में थे, यानी कोई पार्टी इसका विरोध नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता है राज्यसभा में भी हर पार्टी से हम बात करेंगे,
और अभी भी मेरा निवेदन है, विनंती है कांग्रेस से और सभी पार्टी से, जैसे जीएसटी को आम सहमति से इस पारित करवाया, वैसे ये मुस्लिम महिला उनके विवाह के हक का रक्षणा करने का, संरक्षणा करने का जो बिल है, तीन तलाक, ट्रिपल तलाक को रद्द करने का जो बिल है, उसका भी वो समर्थन करना चाहिए। थैंक यू सर। जिस तरह से ये बिल पास हुआ, क्या कहेंगे सर? मैं इतना ही कहूंगा, आज एमजे अकबर साहब को याद जरूर करूंगा। एमजे अकबर साहब ने जो कहा, ये बिल नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के लिए पास किया, और एमजे अकबर ने कहा कि ये लोग वही लोग हैं जो समाज को डरा रहे हैं, इस्लाम खतरे में कह रहे हैं। आजादी के पहले यही लोग इस्लाम खतरे का नारा दिया था, देश को बांटने का काम किया, अब आजादी के इतने साल बाद भी फिर से नारा दे रहे हैं इस्लाम खतरे में है, देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते कोई देश को नहीं बांट सकता, उन्होंने एक नारी एक कानून बनाया। सर, एक चुनौती जो सरकार के सामने है कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं, वहां पर इस बिल को पास करना, कांग्रेस का नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि इसे राज्यसभा में भी पास कराए, अगर नहीं कराता है तो चेहरा उनका भी बेनकाब होगा। सर, जिस तरह से लोकसभा ने तीन तलाक पर कानून पास किया है, जिस तरह से पारित हुआ है, क्या कहेंगे सर इस कानून? इसका हमने स्वागत करना चाहिए सारे देश के नागरिकों ने, मुस्लिम बहनों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो घुटन थी, जो खौफ था, डर था, अस्थिरता थी पूरे विवाहित जीवन में भी, वो सब समाप्त हो जाएगी। और कोई पुरुष किसी महिलाओं का शोषण भी नहीं करेगा, उसको दबा के भी नहीं रखेगा, वो किसी भी मजहब का रहे, धर्म का रहे, और ये सभी ने स्वीकार करना चाहिए। तो वाकई ये बड़ा दिन है भारत की राजनीति के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, क्योंकि सेक्युलर देश है, उसमें एक नारी के लिए एक ही कानून हो, विवाह से जुड़ा जो अधिकार है उसकी रक्षा की जाएगी, ये बात मोदी सरकार की ओर से कही गई थी, तो उस दिशा में पहला ये कदम, पहली सफलता मानी जा सकती है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे प्रकाश पीयूष, हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रकाश, ये ऐतिहासिक बिल जो है लोकसभा से पास हुआ है, पूरी जानकारी। बिल्कुल ज्योति, इस वक्त भी मैं भी भारतीय संसद में के प्रांगण में खड़ा हूं और ऐतिहासिक दिन को मैं भी अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है संसद में जो 244 के आसपास सांसद थे, उनमें से शायद एक दो या फिर चार सांसद ने इस बिल का विरोध किया है, वो भी अमेंडमेंट पे किया है, यानी कि पूरा संसद, पूरा लोकसभा ने इस बिल को पारित किया है और ये बताने की कोशिश की है कि जो महिलाएं हैं मुस्लिम समाज की, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय संसद ने एक आवाज सुनने की कोशिश की है, जो इस वक्त और कुछ दिनों से पहले से जो भारत के गांव से निकलकर संसद पहुंची थी। खासतौर पे बात यह है कि इस वक्त इस लड़ाई में मीडिया भी शामिल रही है और कोई भी चैनल या फिर अखबार इसका विरोध नहीं किया, और यही वजह है कि आज जो मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो भारतीय संसद है, जिसमें 244 सांसदों ने इस बिल को बिना किसी अवरोध के पास करा दिया है। जी प्रकाश, राज्यसभा में कितना मुश्किल होगा? ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी ज्योति, क्योंकि जिस तरह से जो कांग्रेस का रुख रहा है इस वक्त संसद में, लोकसभा में, उसको देखते हुए नहीं लगता है कि कांग्रेस कोई बड़ा विरोध करेगी। अगर ऐसा होता तो ये बिल आज स्टैंडिंग काउंसिल में चला जाता, क्योंकि कई कांग्रेस के दो चार सांसदों ने इस बिल को स्टैंडिंग काउंसिल में भेजने की मांग की थी, लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध हुआ और ये संसद में बिल पास हो गया। तो ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाएगा। ये बात और है कि तीन चरण में बिल बनाए जाते हैं, तीन चरण में कानून बनता है। पहला जो चरण होता है वो लोकसभा का होता है, जहां ये कानून अपना पास हो गया है, दूसरा चरण राज्यसभा होगा, तीसरा राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। तो दो चरण है, वक्त लग सकता है, अगले सप्ताह ये कानून, ये बिल जो है वो राज्यसभा में आ सकता है, लेकिन मुझे आज सांसदों के रुख को देख के ऐसा नहीं लगता है कि राज्यसभा में बहुत मुश्किल होगी बीजेपी सरकार के लिए। जी प्रकाश, जो स्टैंडिंग कमेटी के पास इस बिल को भेजा जाए, कांग्रेस ने कहा, क्या राज्यसभा में फिर से वो राग अलापा जा सकता है पार्टी की ओर से? नहीं ज्योति, सवाल फिर वही है कि अगर कांग्रेस ने इस बिल के लिए कहा था कि स्टैंडिंग काउंसिल में भेज, सांसदों ने विरोध क्यों नहीं किया, सांसदों ने फिर क्यों इस बिल के पक्ष में मतदान किया? तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा है। कांग्रेस के सांसद भी जानते हैं कि ये कैसा नाजुक मुद्दा है, जिसे अगर पार्टी लाइन से अलग हटकर भी बात किया जाए तो करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका खामियाजा 2019 के चुनाव में उठाना पड़ सकता है।
जी प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एक ही विकल्प था कि लोकसभा में आप सुझाव दीजिए, उन सुझावों को खारिज कर दिया गया। अब बारी है राज्यसभा की। चूंकि बीजेपी के पास बहुमत राज्यसभा में नहीं है, लेकिन एक पहलू जो निकल कर सामने आ रहा है कि वोट बैंक भी जुड़ा है, आस्था से जुड़ा यह मसला। हालांकि शुरुआती तौर पर इसे कहा गया मुस्लिम धर्म के जो ठेकेदार रखे उनकी ओर से कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं के हकों के खिलाफ है ये, मुस्लिम महिलाओं की जो आजादी है उसके लिए खिलाफ है और इस्लाम के लिए खतरा है। हालांकि मंत्री जी कहते नजर आए, एमजे अकबर की ओर से कहा गया कि ये इस्लाम के लिए खतरा नहीं, ये उन धर्म के ठेकेदारों के लिए खतरा है जो महिलाओं में खौफ पैदा करके रखते हैं। तो अपील की गई थी कि सभी साथ आएं और सभी साथ आए भी। लोकसभा में बिल को पास कर दिया गया। बारी है राज्यसभा में। आगे क्या कुछ इस दशा में नई चीजें देखने को मिल सकती है राज्यसभा में, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये कितनी मुश्किल होगी, इसको लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सनवरिया साहब हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, और रंजीता मेहता हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, स्टूडियो में मौजूद हैं। ऐसे खान हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं आप विश्व मानवाधिकार के, और एमडी खान वरिष्ठ अधिवक्ता आप हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। बीजेपी से शुरुआत कर लेंगे। सनवारिया साहब, क्या लगता है कितनी बड़ी ये लड़ाई है? ज्योति जी, लड़ाई तो अब जीत ही चुकी है हमारे हिंदुस्तान की महिला बहन बेटियां। जो अत्याचार वो हिंदुस्तान आजाद होने के 70 साल तक सह रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने वो बिल पार्लियामेंट में लिया करके और लिटरली यूनानिमस तरह से पास कर दिया। एक मौका मिला था बानो के टाइम में, और ऐसा आया था मौका, लेकिन उस तत्कालीन सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कर पाई थी। तो आज मुझे बड़ी खुशी की बात है कि ऐतिहासिक फैसला आज यूनानिमस तरीके से किया। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, जैसे उसकी आदत है कि मैं इसको ठंडे बस्ते में डाल दूं, क्योंकि सुबह ये कहा गया कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें, जैसे उन्होंने बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में ठंडे बस्ते में डलवा दिया। लेकिन आज सारी जनता देख रही थी, और मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे के सारे हमारे एमपी महोदय वहां पे थे कि 244 के वोट से उन्होंने पास कर दिया। एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के नेतृत्व में हुआ है। चलिए, बरेली का एक मामला दर्शकों को बता दें। हालांकि हमने खबरों में भी दिखाया कि किस तरह से एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहता है फोन के जरिए कि 3 तलाक मैंने तुम्हें दे दिया है, और उसी की पीड़िता हमारे साथ रानी हैं, फोन लाइन पर जुड़ी हैं। रानी, स्वागत है आपका, साथ ही आपको बधाई भी देते हैं कि 3 तलाक को लेकर बिल जो है लोकसभा में पास हो गया। क्या लगता है कितनी बड़ी जीत है आप जैसी महिलाओं के लिए, पीड़िताओं के लिए? ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारी भारत सरकार ने इतना बड़ा फैसला हम मुस्लिम महिलाओं के हक में बहुत अच्छा दिया है इस बिल को पास करके। जी रानी, साथ ही आपके पति की ओर से जिस तरह से 3 तलाक फोन के जरिए आपको कहा गया, तलाक दिया गया, उसके बाद आपकी ओर से क्या कदम उठाया गया? मेरी ओर से बस मैंने जो मेरा हक फाउंडेशन है उसमें गुहार लगाई थी इंसाफ के लिए जी, और मेरे अभी बस मेंटेनेंस का केस मैंने फाइल किया है। जी ठीक है, क्या लगता है जिस तरह की सजा का प्रावधान किया गया है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका था, बावजूद इसके इस तरह के मामले सामने आते हैं, ताजा मामला आपका जो हमने दर्शकों को बताया भी, रानी क्या उम्मीद जगती है कि 3 साल की सजा दी जाएगी, जुर्माना दिया जाएगा, क्या लगता है इस तरह के मामलों पर अंकुश लग पाएगा? जी बिल्कुल, इससे इस कानून से जो, और अगर किसी के शौहर के दिल में ऐसी बात होगी कि एक साथ 3 तलाक देकर अपनी जो बीवी को घर से निकाल दें, तो इससे कुछ तो उनके दिल में भय होगा, और जो जो हमने ये मतलब दर्द सहा है तो कम से कम बच जाएंगे इस दर्द को सहने से। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी सवाल हम करेंगे। रंजीता जी, आपसे जानने की ये कोशिश करेंगे, कांग्रेस को परेशानी क्या थी कि इस तरह का बिल जब आता है महिलाओं के हकों से जो जुड़ा ये मसला है, उसके बावजूद कांग्रेस ये कहे कि जो समिति के पास इसे भेजा जाए, उपसमिति इस पर तय करे, और स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने के बाद, ये सुझाव दिए जाने के बाद इसे पास किया जाए आगे चलकर? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से क्लियर है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला 22 अगस्त को आया था, उस दिन भी हमने इस फैसले का स्वागत किया था और इसके पक्ष में हमने कहा था कि हम इसके पक्ष में हैं, और आज भी हमने इसके पक्ष की बात की है।
हमने 3-4 सवाल उठाए थे और अमेंडमेंट की बात की थी जो कि बहुत ही जरूरी थे इस लॉ के लिए, क्योंकि हम ये चाहते थे कि अगर कानून बने तो वो पूरा पुख्ता बने और पूरा मजबूत बने और महिलाओं के सशक्तिकरण को सुझावों को खारिज किया गया। आपके सांसदों ने फिर भी साथ दिया। मैं यही बता रही हूँ कि अगर बीजेपी अपनी मनमानी करके उस अमेंडमेंट को रोकना चाह रही थी, हम उसके विरोध में थे। हमने क्या बात की थी, मैं क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ। हमने ये कहा था कि अगर आप इस लॉ को बना रहे हैं और उसके पति को सजा का प्रावधान कर रहे हैं, अगर वो उस समय जेल में चला जाता है तो उसके जेल में जाने पर उस महिला को सब्सटेंस अलाउंस देने की जो बात की गई है अंडर सेक्शन 5 प्रपोज्ड बिल, ये वाकई कमाल है कि आप उसे जुर्म भी उसे मान रहे हैं, सजा दी जाए, कारावास दिया जाए, वो गलत है। जो कांग्रेस जो कहती है, रंजीता मेहता जी, रंजीता मुझे सुन लीजिए, चलिए पूरा कीजिए। सेक्शन 5 सब्सटेंस जो अलाउंस देने की बात की गई है इस प्रपोज बिल के अंदर, उसके अंदर कहा गया है उस महिला को सबसे अलाउंस दिया जाएगा। पर अगर उसको अलाउंस दिया जाएगा तो 1986 में जो हमारा लॉ कहता है कि उसको मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा, क्या वो दोनों चीजें बराबर चलती रहेगी? हाँ। उसके ऊपर रोक लग जाएगी? हमारा उस पर सवाल था, उसका जवाब इस बिल के अंदर नहीं था। हमारा दूसरा सवाल ये था कि अगर आदमी जेल में चला जाता है तो उसके जेल में जाने पर इस पैसों की जिम्मेदारी, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दहेज को लेकर, दहेज को लेकर जो पहले से कानून है वो इस सवाल का जवाब देता है, जिसकी चर्चा भी की गई कि सजा का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर वो ज्वाइंट फैमिली में है और उसकी प्रॉपर्टी ज्वाइंट है तो उसका फैसला कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा तो कांग्रेस के पास क्या सुझाव है? हमारे पास सजा कारावास ना भेजा जाए, बिल्कुल भेजा जाए। हमारा ये था कि आप जितनी सजा देना चाहते हैं उतनी सजा दीजिए, पर जो ये चीजें जो मेन पिन पॉइंट है इनके ऊपर अभी भी पड़ता है, इसको आप क्लियर कीजिए इस कानून के तहत, ताकि इसकी मिसयूज करके कोई आगे जाके इसका फायदा ना ले सके। इसके अंदर अगर इंसान के नाम पर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर है तो क्या वो महिला उस प्रॉपर्टी के बाबत उस पैसे को क्लेम कर सकती है कि नहीं कर सकती है? सबसे पहला बड़ा सवाल ये क्लियर किया गया कि मजिस्ट्रेट तय करेंगे कितना जुर्माना लगेगा, किस तरह का मामला है। नंबर 2, इसमें इन्होंने कहा कि एक महिला को सब्सटेंस अलाउंस दिया जाएगा तो वो कितने परसेंट उस इंसान की सैलरी का होगा या उसकी बिजनेस इनकम का होना, इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया। देखिए ज्योति जी, कांग्रेस की तो ये आदत हो चुकी है कि वो कोई ना कोई कि भाई मेरा ड्राफ्ट खराब है, ये खराब है। अब जब पार्लियामेंट में 244 वोटों के साथ में इनके लोगों, इनके एमपी ने वोट देकर के पास किया है, तो मैं इस मैडम से कह रहा हूँ कि सिर्फ माइलेज लेने के लिए शोर ना करें। एक खोख का माहौल जो ये बनाना चाह रहे थे, तो ये सब जो बातें कर रहे हैं कि जेल में ही भेजें, उसका क्या होगा? इनकी आधे आधे अधूरे बिल का आपके सांसदों ने, कांग्रेस के सांसदों ने समर्थन किया। अगर वो आधा अधूरा बिल था लोकसभा में रोके जाने का जो विकल्प था, हालांकि बहुमत में है बीजेपी, लेकिन फिर भी समर्थन दिया गया कांग्रेस की सांसदों की ओर से, क्या लगता है कांग्रेस कुछ और सोचती है, सांसद कुछ और सोचते हैं तीन तलाक के मुद्दे को लेकर, बिल को लेकर? हमारी सुष्मिता देव जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, वो भी एक सांसद हैं, उन्हीं ने इस ऑब्जेक्शन को वहां पे उठाया था कि हमारे ये सुझाव हैं जिसको भाजपा जो है स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये उनका प्रेरोगेटिव है। हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर पुख्ता और मजबूत बिल लाने की बात की थी। आप 70 साल तक कहां थे? 70 साल तक कहां थे? जब ये सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल हर बार पूछा जाएगा, ये सिर्फ शोर करना जानते हैं। लेकिन आज इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके एमपी ने अगर ये एक्ट खराब था तो इस बिल में क्यों सपोर्ट किया इन्होंने? इन्होंने शोर करना आता है और सिर्फ शोर करके। चलिए चर्चा के दौरान ये जवाब दिए गए थे, क्या लगता है क्या देरी हो, ये मामला जो है, ये कानून जो है, ये लटके, ये कोशिशें रहे कांग्रेस की कि ना तो आप इस पर ना कह सकते हैं, ना ही इस पर आप खुलकर हाँ कह सकते हैं, आपकी राजनीतिक मजबूरियां? सनवारिया साहब, हाँ नहीं, वही तो हमने कहा जब इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की बात की इनके लीडर ने, तो मेरे लॉ मिनिस्टर ने कहा कि हम स्टैंडिंग कमेटी क्यों, जो ऑब्जेक्शन आप यहाँ करना चाह रहे हैं
मैं यहां बैठा हूं, मैं सारे जवाब दूंगा। हाँ। और उन हर एक चीजों का जवाब दिया गया, लेकिन अगर ये शोर करने का तो आदत है करते रहे, अब अपनी वो खिसियानी बात कर रहे हैं, इनके एमपीज ने जो अगर मान लीजिए ये कह रहे हैं कि इसमें ड्रॉबैक थे, इनके एमपीज ने मैं पूरा पूरा साथ दिया यहाँ पे और देना भी चाहिए था। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रंजीता जी अभी पैनल से कह रही हैं कि आधा अधूरा बिल है, ये किस तरह के क्या कहें कि मतभेद है फिर ये कांग्रेस में जिस तरह की आधा अधूरा है उसके बावजूद भी समर्थन दिया गया, क्या फिर मजबूरियां हैं ये कांग्रेस की? चर्चा में आगे बढ़ेंगे, ऐसे खान साहब आपको मैं चर्चा में जोड़ूंगी, हालांकि हमने पहले भी इस मसले को लेकर पैनल पर आप रखे चर्चा की तीन तलाक को लेकर, अभी जब इस बिल को पास कर दिया गया है लोकसभा से, आपका पहला जवाब? देखिए ये बिल जो पास हुआ है हम इसका समर्थन करते हैं जी, मानते हैं ये अच्छा है, पर लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। तीन तलाक का जैसे बिल पास किया, तीन तलाक एक दफे में बोल दिया, वो सही है उसके लिए इस सजा का प्रावधान किया है, इससे कोई तलाक कम होएंगे जी बल्कि बंद होएंगे, पर शरीयत में हमारी मुस्लिम शरीयत में ऐसे तीन तलाक नहीं है। शरीयत के हिसाब से पहला तलाक एक में, आज अगर में एक तलाक होता है तो दूसरा तलाक एक महीने बाद दिया जाता है, और इस एक महीने में मियां बीवी को एक ही जगह रहने का प्रावधान है कि वो एक जगह रहकर अपने रिलेशनशिप में दूर करें। दूसरा तलाक एक महीने बाद दिया जाता है, उसके बाद बीवी अपने घर चली जाती है, फिर भी एक महीने का उनके पास है कि कोई उनके रिश्तेदार कोई बीच बचाव करके उनका सुलहनामा कराए। तीसरे महीने में जाके तीसरा तलाक होता है, जब जाके तलाक माना जाता है। पर ये एक यहाँ पे कुछ आदमियों ने, कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों ने इसका फायदा लेने के लिए एकदम तीन तलाक कहना शुरू कर दिया, पर उसके लिए जो बिल बनाया मैं उसका समर्थन करता हूँ, ये अच्छा बिल है, वो इसमें ना नहीं है, पर लेकिन शरीयत के हिसाब से दूसरी में तलाक की बिद्दत को शरीयत से जोड़ने की बात करते हैं, जो इस्लाम के लिए खतरा बताते हैं इस तरह के कानून को, इस तरह के बिल को, वो लोग कौन हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग हैं वो कट्टरपंथी लोग हैं, जो सही मुसलमान है, जो आज के हिसाब से हिंदुस्तानी, एक मुसलमान के साथ साथ वो हिंदुस्तानी भी है, वो इसका समर्थन जरूर करेगा, नंबर एक। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि इस बिल में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा है कि अगर जो आदमी को जेल चले जाता है वो तीन साल, उसके तीन चार बच्चे हैं, बीवी है, तो उसके लिए उसका गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम किया है? आदमी के लिए प्रॉपर्टी नहीं है किसी आदमी के पास, सवाल कांग्रेस के थे, किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, वो हैंड टू माउथ है खाने के लिए, उसके बीवी बच्चे की बिद्दत को लेकर खौफ रहे ना उसमें कि कानून है, अगर आप गलत तरीके से एक बार में तीन तलाक दे दें तो आपको किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है? खौफ को 302 कानून बना हुआ है, फिर भी कत्ल होते हैं, फिर भी लोग गोली मारते हैं, तो कानून बनाए जाने से तो परेशानी नहीं होनी चाहिए ना जनाब? कानून बनाने की हमें कोई परेशानी नहीं है, कानून का खौफ हम ये चाहते हैं, कानून होने के बावजूद क्राइम अगर हो रहा है क्या कानून बनाने छोड़ दिए जाए? हालांकि आपने बनाए, बिल्कुल बनाए, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, पर साथ में हम ये कह रहे हैं उसके बीवी बच्चों की तरफ भी देख के उसके लिए कोई ना कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कल को वो जेल जाता है तो बच्चे क्या लगता है? ये तर्क जो बार बार दिया जा रहा है पैनल पर और साथ ही संसद में भी चर्चा की गई, क्या जो आरोपी है इस मामले की उनके साथ आप खड़े हैं? अगर इस तरह की बात करते हैं कि उसको सोचकर चलिए कि कहां से वो पैसे देंगे, कहां से जुर्माना वो भरेंगे, और जो बच्चे होंगे उनके लिए खर्च कहां से देंगे? ज्योति जी, ये जो सवाल है मेरे ख्याल से बहुत कच्चे दिमाग से सोचने की बात है। जब हम तला इन्होंने एक हवा पैदा किया है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो जिसको अपने आप को कहता है कि मैं 1400 साल पुराना मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, हालांकि वो 1973 में बना, ये कठमुल्ला कुछ लोग हैं जो एक खौफ का माहौल बनाते हैं। कानून जितना भी सख्त होगा, ये 3 साल की सजा की बात कर रहे हैं, हम हरेक को 3 साल मजिस्ट्रेट नहीं देने वाला है, वो शायद 1 महीना भी दे सकता है, 3 साल भी दे सकता है, लेकिन ये कहना कि जी वो उस औरत का या उन बच्चों का क्या होगा, मुझे तो कई बार मुझे तो कांग्रेस के प्रवक्ता के गवर्नमेंट उसको दे, मैं तो अपने वोट की पॉलिसी कर रहे हैं, ये वोट की पॉलिसी बीजेपी ने करी है, मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम वोट जो है, इतना सारा डोनेशन, इतना सारा पैसा होता है, जब ये औरतों की बात आती है तो इनको अल्लाह याद आ जाता है, लेकिन उनका वेलफेयर के लिए मेरी सरकार ने हिम्मत करके साथ दिया, तमाम सांसदों ने साथ दिया, हालांकि पहले आप लोगों की रही
स्वागत पर आप एक सवाल पर, लेकिन आप ये बात नहीं कही, हम कह रहे हैं नहीं, जो नकमुल्ला आप उसे बोलिए, आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये तो हम भी कह सकते हैं, बीजेपी में भी आरएसएस है, बीजेपी में भी धर्म के ठेकेदार है, मुस्लिम अगेंस्ट है, ये बात नहीं आप सनवर साहब ऐसे नहीं सुन पाएंगे, दर्शक दर्शक ऐसे नहीं सुन पाएंगे, खान साहब एक बार के लिए धैर्य आप रखिए, एमडी खान साहब को मैं चर्चा में जोड़ लूं, कानूनी पक्ष क्या है इस पूरे मामले का? एक्चुअली जो ये आज डिबेट चल रहा है जी, ये इश्यूज है तलाक बिदत और तलाक सुनत के बीच, जो ये नया कानून पास हुआ है लोकसभा में, ये तलाक बिदत को लेके हुआ है, यहाँ एक ये दो पहलू हैं, एक इशू के दो पहलू हैं, एक तलाक सुनत और एक तलाक बिदत। हाँ जी। जो तलाक सुनत है उसमें तो ऑलरेडी पहले से ही वन टाइम का ये सिस्टम है ही नहीं पहले से ही, और जो एक बेसिक सिस्टम है वो तलाक सुनत है, जिसके फॉलोअर्स मैं भी हूँ। हाँ। और मोस्टली जो मुस्लिम्स हैं ऑल वर्ल्ड के अंदर वो तलाक सुन्नत के फॉलोअर्स हैं, लेकिन तलाक बिदत का सिस्टम भी नो डाउट यहाँ चल रहा था हिंदुस्तान के अंदर। हाँ। और भी एशिया के अंदर आप देखोगे तलाक बिदत भी यहाँ चल रहा था, जो आज ये बिल पेश हुआ ये अगेंस्ट हुआ है तलाक बिदत के, ना कि तलाक सुन्नत के। जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो रही थी, हमारे खान साहब भी कह रहे थे, जो मैं भी खुद भी मैं तलाके सुन्नत का फॉलोअर्स हूँ, और ये बिल है, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम भी हमारे डिबेट में मैं बैठा था, वहाँ पे मैंने स्वागत किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, एक अधिवक्ता होने के नाते, एक मुस्लिम होने के नाते, बीइंग ए मुस्लिम भी और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ठीक है। चलिए ब्रेक के लिए हम जाएंगे, उससे पहले रानी से एक प्रतिक्रिया हम ले लें। रानी, क्या लगता है आपको, जो विपक्ष कह रहा है कि जो आरोपी होगा मामले का या जो शोहर होगा वो जुर्माना कहां से देगा, बच्चों का जो लालन पोषण है वो कैसे करेगा, ये तर्क आपको कैसा लगता है, कितना सही लगता है? ये तर्क मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जिस टाइम पर एक औरत से मतलब फोन पर या ईमेल या कैसे भी कर उसको तीन तलाक कहा जाता है, उसके बाद उसका शौहर उससे बात नहीं करता है, बिल्कुल नाता तोड़ देता है, तो उस वक्त ये सब तर्क कोई इंसान क्यों नहीं सोचता है? बिल्कुल जी। रानी, आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चा जारी रखेंगे, सवाल कई हैं जिनके जवाब लेंगे कि राज्यसभा में किस तरह से इसको पास कर लिया जाएगा, साथ ही कानून अगर बना लिया गया तो क्या कानून का खौफ भी कायम रखना संभव हो पाएगा, क्योंकि कानून बहुत सारे हैं लेकिन उनका खौफ नहीं, अपराध पर अंकुश लगाना एक बड़ी कही मुश्किल सरकार और सिस्टम के लिए रही है, तो तीन तलाक को लेकर चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं तुम्हें तलाक देता हूं।